इस बीच कोरोना का कहर बरपाने के बाद लॉकडाउन की मार झेल रहे चीन के शंघाई में खाने पीने के लिए हाहाकार मच गया, जिसका एक वीडियो वायरल है, जिसमें वहां के क्वारंटीन सेंटर पर लोग एक दूसरे पर ही टूट पड़े और आरोप लगाया कि उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सामने आए वीडियो में सैकड़ों लोग क्वारंटीन सेंटर के बाहर बट रहे सामान के लिए एक दूसरे से छीना झपटी करते नजर आए। आरोप है कि उन्हें सबसे अलग तो कर दिया गया, लेकिन खाने पीने का सही इंतजाम नहीं किया गया। हालात ऐसे हैं कि उनको पीने के पानी, कंबल और बिस्तरों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ऐसे में जैसे ही पता चला कि बाहर कुछ चीजें बट रही हैं, लोग उसके लिए एक दूसरे पर ही टूट पड़े। एक तो वायरस की मार, ऊपर से शी जिनपिंग की सरकार में खाने पीने की दिक्कत ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने को मजबूर कर दिया, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। लोग खराब कोरोना मैनेजमेंट के लिए सरकार को जमकर कोस रहे हैं, क्योंकि वहां पहले से लोग लॉकडाउन से परेशान हैं। ऊपर से क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी और खाने पीने की तकलीफ ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों का ख्याल रखने के लिए कर्मचारी ही नहीं है और लोगों को खाना तो दूर, पीने का शुद्ध पानी तक नहीं मिल रहा। यही नहीं, जैसे ही कोई सामान लोगों के लिए लाया जाता है वो इतना कम होता है कि पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। दावा है कि चीन में लोगों को क्वारंटीन करने का सिस्टम इतना खराब है कि कोरोना पॉजिटिव और स्वस्थ लोगों की पहचान तक नहीं हो पा रही है और क्वारंटीन सेंटर में भेड़ बकरियों की तरह उनको ठूंस दिया जा रहा है। मतलब मरीज के साथ स्वस्थ लोग भी पिस रहे हैं और इसी लापरवाही की वजह से चीन में पिछले एक महीने में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं।